रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड पोटेंशियल वी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और साथ में क्या ले आया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई भी चल पड़ा अब वी भी चल पड़ा। अब देखो क्या इसमें होगा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया तो समझना बहुत आसान रहेगा। मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, गिवन है, आपने एक पॉइंट चार्ज लिया क्यू, आपने यहाँ पे छोड़ दिया इसे, ये पॉइंट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई वेक्टर, कहाँ, टुवर्ड्स राइट, लिखा भी हुआ है, राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। मूव करने में किसी ने तो वर्क डन किया, मेरा वर्क डन क्या एक्सटर्नल का, जीरो, मेरे को तो मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद ही मेहनत कर दी। तो वर्क डन इसको मूव करवाने में किसने किया, इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड ने, मैंने नहीं किया, मैंने तो हाथ भी लगाया, अपने आप ही मूव करे जा रहे हैं। तो वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने फोर्स क्या लगाई, क्यू ई वेक्टर। वर्क डन बाय, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या है, क्यू ई वेक्टर। क्यू नीचे ले आओ तो ये क्या आ गया, वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने वाले हैं हम। लेकिन पॉइंट ये है कि आप यहां पर जब ये वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमारी जो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल की और पोटेंशियल एनर्जी की, उसमें वर्क डन हमेशा किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल, और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई बात नहीं, शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करते हैं। यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर करना है तो मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अगर मैं इसे और इसे इक्वेट करूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज इज नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये स्टेप समझ में आया, मैंने अपना अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर ली। शुरू मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से की थी पर मैंने माइनस साइन लगा के किस में शिफ्ट करवा लिया, एक्सटर्नल में। तो चेक करो इस स्टेप को, ये देखो लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है उसमें वर्क डन बाय क्या होता है, एक्सटर्नल एंड नॉट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए आपने शिफ्टिंग की, इस रिजल्ट को इसमें कन्वर्ट कर लिया, माइनस साइन आगे चला गया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, और पहले दिन से बता रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अब तीन डेफिनेशंस आपको पता लग गई। पहली, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय चार्ज। दूसरी, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां, आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर, जो भी लिमिट लगेंगी। और तीसरा, दो पॉइंट का जो भी पोटेंशियल है उनका डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों फॉर्मूला को बुकलेट में नोट करें, अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के रजिस्टर में नोट करें, तीनों डेफिनेशंस फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें।
कई बुक्स उसके बाद ऐसी थ्योरी लिखते हैं। मुझे बताओ यार, कौन स्टूडेंट को देख के खुश होगा, वो यार पता नहीं क्या लिखे जा रहा है यार, दो लाइन का काम है, कुछ भी नहीं है। देखो ये पूरी थ्योरी ये कह रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप किसी चार्ज को आर वन वैक्टर से आर टू वैक्टर पर लेके आए, तो यहाँ लिमिट क्या लगती थी, आर वन वैक्टर से आर टू वैक्टर। वो कहते हैं मान लो आप एक चार्ज को आर वन से आर टू नहीं लेके आए, आप इन्फिनिटी से आर लेके आए, तो लिमिट क्या लग जाएगी, इन्फिनिटी से आर, उसकी मर्जी। पर अगर इन्फिनिटी से आर पे चार्ज को लेके आए, उसको पोटेंशियल डिफरेंस तो ना बोलते हैं, उसको तो पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी टू माइनस वी वन। जब आपने पहली लिमिट इन्फिनिटी से आर की, तो जो पोटेंशियल था इन्फिनिटी पे वो क्या पुट करना पड़ा, जीरो, क्योंकि जीरो इन्फिनिटी पे ना फोर्स होती है, ना फील्ड होता है, ना पोटेंशियल होता है। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, पोटेंशियल। तो लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल में लिमिट इन्फिनिटी से आर आती है। तो लिख लो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये बताया गया है। तो आपकी काफी बुक्स डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऐसे लिखती हैं, तो समझ में आएगा इन्फिनिटी से आर पोटेंशियल निकल रहा है, आर वन से आर टू पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है।